सो असी खड़े हाँ राजपुरा के महेंद्रगंज बाजार के और थोड़ा दिखा जा रहे हैं राजपुरा के विकास कार्यों की असली तस्वीर, क्योंकि दावा किया जाता है पिछले लंबे समय तो सरकार रही ने कि पंजाब के विकास कार्य किए हैं, पर राजपुरा के भी विकास कार्यों के मूँह बोल की तस्वीर तुम देख सकते हो कि अज इतने जोड़ा है कि स्कॉर्पियो गड्डी जी है ये मेन सड़क है जी इतने पिछले पास सिटी सदर थाना और मेन कचहरी होंगी सी और तुम देख सकते हो कि मामूली बरसात ने जिहड़ा है कि किस तरह का हाल कर दिता है। दुकानदार जिहड़े मत्थे ते हाथ रख के बैठे ने भी बरसात पैण करके उन्होंने कामकार जिहड़े ठप्प हो चुके ने और दो पहिया वाहन भी लंघने मुश्किल ने, जबकि इतों गड्डियां तो तुम देख सकते हो कि स्कॉर्पियो गड्डी जिहड़ी वह भी फसी हुई है और लोग जिहड़े ने राहगीर ने खासकर जिहड़े दुकानदार ने वो बड़ी परेशानी का सामना करना पै रहा उन्होंने, क्योंकि पिछले पास भी देख सकते हो कि गड्डियां जिहड़ियां दो पिछे फसिया हुई ने और पानी जिहड़ा इतों दो ढाई ढाई फुट जरा गोडे गोडे पानी खड़े लोगों का लंघना जरा मुश्किल है। इतों के वसनीक दुकानदार राहगीर मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं। भाई साहब कितने रहेंगे बिरजेंद्र सदर थाने च रहने जी। की कुछ समस्या है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पानी बड़ा खड़ा है, किन्ने चिर तो समस्या है? समस्या अज मीह कारण हुई है, क्योंकि पहला भी पता लग ही रहा है भी मीह पैना ही है, क्योंकि मौसम चेंज होना ता करके ये हूँ असं कहते भी रहे हो देखो फिर मोटरसाइकिल खड्डे फस गया इवें करते कराते, मतलब जे मिस्त्री लगे सी तो उस तो बाद भी नाल दे नाल ही दूजा काम हो जाना चाहिए सी तो वधिया सी, क्योंकि जे मीह पहला भी कहा जे मीह पऊगा तो बुरा हाल हो जाना, क्योंकि पहला भी नहीं इतने रस्ता काफ़ी दो तीन हफ्ते बंद रहा, चलो मानते हैं भी अपना अपनी उस चीज़ सी भी उन्होंने करनी सी सीवरेज की लाइन सैट करनी सी, पर लाइन सैट नहीं ना हुई, हूँ लाइन तो चलो सैट कर गए हो पर एक काम रह गया ना बिच हूँ लोग कितने सालों तो भाई साहब तुम देखते आ रहे हो कितने सालों तो पिछले भी 25 साल तो देखता आ रहा जी, 25 साल के दुकान पर बैठे नूं तो 25 साल तो करीब हो गए, उस तो पहले तो ही हाल पानी की समस्या इतने रही है, जो भी बरसात पेगी उसी टाइम पानी इकट्ठा हो जाता है। तो देख सकते हैं कि दुकानदार जिहड़े बाहर खड़े ने दुकानदार चुप करके खड़े ने, क्योंकि गाहक तो है ने कोई और दुकानों का कामकार भी ठप्प, कामकार तो बिल्कुल ही ठप्प है जी, क्योंकि पुल भी नहीं कोई बने है ना, रेलवे का इधर का पुल है ना स्टेशन वाला पुल है, कोई पुल नहीं चलता पाया, कस्टमर तो इतने है ही नहीं। तो ये जी सिविल समस्या किन्ने चिर तो है? ये तो बहुत देर भी चल रही है, तो जिम्मे गड्डी फस गई जिम्मे अजय गड्डी फसी हुई है, यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि बंदा सामने खड़ा है गड्डी वाला भी। तो देख सकते हो कि राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, छोटे छोटे बच्चे तुम देख सकते हो कि किस तरह मापे जड़े पानी के बच्चों कढ़ के ले जा रहे हैं, ट्यूशन छड़ना होंगे या स्कूल जाना तो भी जरा उन्होंने समस्या जी है लोगों को काफ़ी देखने को मिलती है, और लोग जड़े ने इस पास भी तुम देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे और आ रहे हैं इधरों भी और दुकानों के पानी जरा गोडे गोडे अंदर वड़ चुके हैं, लोग जड़े ने परेशानी का सामना करना पै रहा है, क्योंकि ये अज का नहीं है, पिछले कई दहाकों तो सरकारों के दावे ने वादे ने देख सकते हो कि दावे वादे जिहड़े किस तरह उन्होंने पूरे किए ने लोगों के घर के दुकानदारों के दुकानों के पानी जिहड़ा है तुम देख सकते हो कि गोडे गोडे पानी वड़ चुका है और लोग जिहड़े ने इस समस्या नाल जूझ रहे हैं, पर लोगों की समस्या ज्यों दी त्यों है, सरकारां जरूर आउंदी जाउंदी रहिंदियां ने पर हुण भी 6 महीने हो चुके ने आम आदमी पार्टी सरकार नूं भी, पर पानी की समस्या सिवरेज की समस्या उस तरह ही है, हुण देखना होगा इस समस्या का हल कदों निकलता है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार दे नाल दया सिंह राजपुरा।